मंत्र के बादशाह भारत के सस्ते सूफी तांत्रिक आशिक बाबा मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। सूफी तांत्रिक आशिक बाबा निशुल्क संपर्क करें एडीए कॉलोनी पुलिस चौकी के पास नैनी इलाहाबाद। एयरपोर्ट अधिकारियों की शर्मनाक हरकत, मुस्लिम महिला को दिखाना पड़ा खून से सना पैड। अमेरिका में एक मुस्लिम स्नातक छात्रा के साथ बोस्टन हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने शर्मनाक हरकत की थी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने जांच के नाम पर चाइना मर्चेंट को अपने पैंट और अंडरवियर को खींचने के लिए मजबूर किया। जैना मर्चेंट को सितंबर 2016 के बाद कई बार यूएस एयरपोर्ट पर सख्त और अपमानजनक जांच का सामना करना पड़ा। अमेरिका की मुस्लिम नागरिक होने के चलते जैनब को कई सख्त प्रकार की छानबीन का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार तो डीएसए ने उन्हें वो बेल्ट भी दिखाना पड़ा जो वह इस्तेमाल कर रही थी। 27 वर्षीय जैनब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक ओपिनियन पीस लिखकर बताया कि वह एक बार मेरी तलाशी के लिए एक्सप्लोसिव यूनिट भी लाई गई थी क्योंकि मेरे कंप्यूटर के पीछे एक स्पीकर लगा हुआ था। एक बार मेरी तलाशी के लिए कुत्तों की पूरी टीम ही लगा दी। हार्वर्ड से ग्रेजुएट 27 वर्षीय जैना मर्चेंट जेडर स्टूडियो की सीईओ हैं, जो कि राजनीतिक और संस्कृति से जुड़ी एक मल्टीमीडिया साइट है। 3 बच्चों की मां जैना पर कुछ अपमानजनक कारणों के वजह से हर वक्त नजर रखी जाती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि फेडरल वॉच लिस्ट में उनका नाम शामिल है। अपने ओपिनियन पीस में जैनब ने शेयर किया कि कैसे उन्हें हर बार इस तरह की सख्त छानबीन का सामना करना पड़ा, लोगों की भीड़ से रैंडमली उन्हें इस तरह की जांच के लिए चुना गया और प्राइवेट रूम में ले जाकर उनकी तलाशी ली गई। आइए सुनाते हैं पूरा मामला जैनब की जुबानी। It was just very, very dramatic. They opened up everything, they removed everything, bras, underwear. They just would like hold it up, and they would go through it. And I literally, at that moment, I wanted to, like, I remember I just wanted to hug someone to a puddle. Because it's just so humiliating. That the grand scheme of things, we just look back and say, we wish we would never taken this trip. You never know. Gonna ever make your flight, you're gonna miss it, if they're gonna take you in the back room and ask you questions, or if they're even gonna arrest you one day. I won't even be surprised if that happens. I just have to be prepared. हमारे चैनल को सब्सक्राइब